बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपने शॉर्ट हैंड बेसिक लेवल का लेक्चर नंबर 4 करेंगे। यहां ध्यान दीजिएगा, किसी भी लफ्ज में एस या जी की आवाज आ जाए, किसी भी लफ्ज में एस या जी की आवाज आ जाए तो हम वहां पर एक छोटा दायरा लगाएंगे जो कि स्ट्रोक की इस जगह पर होगा जहां एस या जी की आवाज आएगी। तो ये जो दायरा है यानी जो सर्कल है ये एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो देखिएगा, हमने पहले पे वर्ड पढ़ा था, अब इसके साथ जी की साउंड आ रही है, पेज। तो रखेंगे कैसे, पी की स्ट्रोक आएगी, जी का सर्कल और सेकंड पेज पे ए का वावल। नेक्स्ट है जे, जे की स्ट्रोक, जी का सर्कल, ए का हैवी डॉट, जे। नेक्स्ट है डे, डी की स्ट्रोक, जी का सर्कल और हैवी डॉट। डेट्स, अब डेट्स में एस की साउंड आ रही है तो सर्कल हम एंटी क्लॉकवाइज ही लगाएंगे। जरा देखिएगा, डी की स्ट्रोक हैवी स्ट्रोक, पी लाइट स्ट्रोक, एस का सर्कल और ए का डॉट। टेप्स में टी की लाइट स्ट्रोक, पी की लाइट स्ट्रोक और एस का सर्कल, टेप्स। ठीक है जी, एप्स में पी की स्ट्रोक लिखेंगे, एस का सर्कल लगाएंगे और ए का बॉल बिफोर साइड में आएगा। तो ये फिर हमारा लेक्चर था, लेक्चर नंबर 4 आज कंप्लीट हुआ। जजाकल्लाह।